हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हो दीपक राउत ब्लॉग्स। हाँ तो गाइस, देख सकते हो आप, अभी बज रहे 11 और मैंने ब्लॉग लेट स्टार्ट किया है। और देख सकते हो देसी मुर्गी को मैंने खोल रखा है, बत्तखों को खोल रखा है, जो कि आराम से मतलब खाना आना खा के बैठ चुकी है। ये आराम से बिल्कुल देख सकते हो आप, पूरा फार्म हाउस बना जा रहा। और ये हमारी झोपड़ी है, और देख सकते हो मुर्गी को, ये मुर्गी अंदर आती है, पता नहीं इसका मतलब ज़्यादा ही मन लगता है अंदर, इसलिए ये अंदर आ जाती है, तो आप देख सकते हो। और अब थोड़ा टाइम हो गया है, थोड़ा रचका काटने का इनको डालना पड़ता है, खरगोशों को रचका। और देख सकते हो वाइट वाला बर्ड भी है हमारे पास, कबूतर देख सकते हो आप। चलो फिर चलते हैं और थोड़ा बहुत रचका काट लेते हैं, फिर वापस आता हूँ, फिर और दिखा दूँगा आपको। चलो गाइस चलते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दीपक राउत ब्लॉग्स। तो हाँ तो गाइस, आप देख सकते हो कि मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया है, 2-3 दिन से लगातार बारिश आ रही थी, इस वजह से मौसम बिल्कुल ख़राब हो गया था। और आज तो धूप भी निकल गई है, आप देख सकते हो कितनी अच्छी धूप निकल रही है, तो इस वजह से तो ठंड भी ज़्यादा पड़ रही थी। तो मैंने क्या मुर्गी खोला नहीं है, तो अब मुर्गियों को खोल देते हैं और फिर जो बाकी काम बचा हुआ है वो भी कर लेंगे। पहले तो सबसे पहले मुर्गी खोल देते हैं। और ये देख सकते हो आप, मुर्गी मैंने खोल दिया है दोस्तों। अभी मेरे पास ये मुर्गी ये देसी है और कड़कनाथ है। और इसमें आप देख सकते हो इस मुर्गी ने बच्चे निकाल दिए हमने अंडे से, इसके 3 ही बच्चे निकले क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, इसलिए 2 तो इसमें से मर चुके हैं, 5 निकले थे टोटल। और आप इसे देख सकते हो छोटे छोटे आए, कितने सुंदर हैं, बिल्कुल छोटे छोटे आए थे। और अभी एक मुर्गी और बैठी है अंडों पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये मुर्गी अभी अंडों पे बैठी है और अभी इसका एक ही बच्चा निकला है, जो बिल्कुल वो छोटा सा है, देख सकते हो आप, पूरा इसकी साइड में ब्लैक ब्लैक दिख रहा है आपको। और देख सकते हो कि मतलब ये क्या हुआ, बल्ब कैसे नीचे गिर गया, बल्ब गिर गया नीचे, इसको लाइट पर लगा देते अपन। इस वजह से मैंने देख सकते हो आप खोल दिया मैंने इनको। और अब बारी है बत्तखों को भी खोल देते हैं, क्योंकि उनको भी खोला नहीं था मैंने, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, इस वजह से मैंने उनको खोला नहीं था। और आप देख सकते हो मतलब मेरे पास अभी 20-22 मुर्गा मुर्गी है, और आप देख सकते हो कितना शानदार नज़ारा हो गया अभी धूप निकलने से। और ये मेरा फार्म हाउस है, जो कि अभी बहुत अच्छा लग रहा है, बस ठंड ज़्यादा पड़ती है यहाँ पे, क्योंकि हमने जो सब्जी वब्जी बो रखी है इस वजह से यहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है। और आप देख सकते हो बत्तखों को खोलने जा रहा हूँ अब मैं। और अब तो देख सकते हो अभी बत्तखों को मैंने खोल दिया है, अब बड़ी वाली बत्तखों को खोल देते हैं। ये बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है बड़ी वाली बत्तख है। चलो देख लेता हूँ, क्योंकि अंडा देने लग गई है बड़ी वाली बत्तख भी, देने लग गई है अंडा, और छोटे वाली बत्तख भी अंडा दे रही है, इसलिए मीठा अंडा तो नहीं है, क्योंकि फिर बाद में देखता हूँ। तो वो डॉग हमारे जो हमारे पास डॉग है 3, वो खा जाते हैं अंडे को, इस वजह से। और आप देख सकते हो मैंने खोल दिया अंडा, और ये क्या एकदम नुकसान करती है, आप देख सकते हो ये पूरा हिस्सा इन्होंने खा लिया है पूरा। चलो चलो चलो, देख सकते हो दूसरी मुर्गी को। और गाय को मैंने धूप में मान दिया, क्योंकि ये अंदर से ठंड पड़ती है अभी, और इसके तब धूप आ गई थी, तो मैंने धूप में मान दिया इनको, देख सकते हो आप, पूरा फार्म हाउस का रुख। चलो फिर थोड़ा बहुत इनको दाना ना डाल देते हैं चिड़िया वगैरह को, क्योंकि चिड़िया को डाला नहीं था मैंने, खरगोश वगैरह को इनको रख देता था। और चलो फिर आपको बता देता हूँ, दाना ना डाल देता हूँ चिड़ियाओं को।
हाँ तो दोस्तों चिड़ियाओं को मैंने दाना वाला डाल दिया है, आप देख सकते हो, और पानी भी भर दिया मैंने, और आप देख सकते हो ये मेरे पिंजरा है, शानदार लुक है और बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है ये, जो मटकिया भी काफ़ी सार हो जाएगी है, तो हमारे पास चिड़िया बहुत ज़्यादा है, इस वजह से आप देख सकते हो। चलो फिर चलते हैं और दूसरा काम कर लेते हैं, अभी समझ लेते हैं पिंजरों को। आज दोस्तों मैंने इनको भी दाना में डाल दिया है वाइट कबूतर को, आप देख सकते हो क्या हमारे पास वाइट कबूतर है, ये तो अभी छह ही है, और आप देख सकते हो इसने अभी अंडे दिए हैं यहाँ पे, इसलिए यहीं पे रखी है, और आप देख सकते हो हमारे पास अभी छह है। बड़े बड़े बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था इनको बाहर है, इसलिए फिर वापस अंदर कर रहा हूँ उनको, क्योंकि बाहर एक बज चुके हैं। चलो 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 बड़े 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 देख सकते हो कितनी मुश्किल से अंदर डालना पड़ता है इनको, चलो बड़े चलो इनको अंदर डालना पड़ेगा, इस वीडियो को बंद करना पड़ेगा जब भी अंदर जाएंगे, वरना ऐसे अंदर जाने वाले नहीं। और देख सकते हो पानी भी डाल दिया मैंने, छोटे छोटे सुलझे जो पानी पी रहा है, और रचका भी मैंने काट के ले आया था, तो रचका डाल रहा हूँ अभी इनको, और रचका डाल दिया मैंने, और अब आ रही है खरगोश भी, अब खरगोश तो डाल देते हैं क्योंकि उनको डालना नहीं था पहले। देख सकते हो खरगोश भी और आराम से वेट कर रहे हैं, और आप देख सकते हो खरगोश का बच्चा एक बहुत ही शानदार बच्चा है, इसको सर्दी लग रही है, दिखती मेरे को ऐसा लग रहा है बच्चे को। ऐसा क्यों लग रहा है बच्चे को सर्दी लग रही है, देख सकते हो आप बहुत ही शानदार तरीके से खाते हैं ये, बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को खरगोश, बच्चा वो देखो और बच्चा साइड में गया बच्चा, तो चलो ठीक है अपना काम हो चुका है और गेट को बंद कर देते हैं फिर। हाँ तो दोस्तों शाम का टाइम हो चुका है और करीबन सारा काम हो चुका है, और आप देख सकते हो जो डॉगों को मैंने बाहर बांधा था तो ये बाहर ही बंधे हुए अभी तक, और अब इनको अंदर बांधने का समय हो चुका है, ठंड पड़ रही है अभी बहुत ज़्यादा, तो शाम को यहाँ पे ज़्यादा ठंड पड़ती है मैंने बताया था। और तो दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग।